हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस वेल नोटिफिकेशन एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैक्यूम। तो हम वैक्यूम क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत रहती है वैक्यूम बनाने की, अगर वैक्यूम ना बनाएं तो क्या होगा और इसके क्या फ़ायदे हैं, और वैक्यूम बनाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है और कैसे बनाते हैं, इसकी लाइव वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है कि वैक्यूम क्या है। तो वैक्यूम है कि किसी भी बॉडी में एयर को बिल्कुल ही रिमूव कर देना, ठीक है, इसे कहते हैं वैक्यूम। और अगर टेक्निकल भाषा में आ जाओ देखिए, एग्जैक्ट जो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए एक डेफिनेशन है कि द वैक्यूम क्रिएटेड बाय रिमूविंग एयर फ्रॉम अ स्पेस यूजिंग अ वैक्यूम पंप और बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर यूजिंग फास्ट फ्लो फ्लूड एज इन वर्नोलिस प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब है कि किसी बॉडी में अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप वैक्यूम पंप लगा दीजिए जो वैक्यूम क्रिएट करेगा, और अगर वैक्यूम पंप नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे आप, उस जो फ्लूड है उसका फ्लो आप स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग फ्लूड इंक्रीज्ड, ये वर्नोलिस थ्योरम क्या कहती है, व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग फ्लूड इंक्रीज द प्रेशर विद इन द फ्लूड डिक्रीज, ठीक है। तो ये स्टेट करती है। अच्छा, वैक्यूम बनाने से पैन में हम वैक्यूम बनाते हैं तो उसके लिए मल्टी जेट कंडेंसर यूज करते हैं, उसमें फ्लूड फ्लो कर दीजिए, फ्लूड का मतलब वाटर फ्लो कर दीजिए, उसको इंजेक्शन जो पंप लगे होते हैं वो इंजेक्ट कराते हैं। इंजेक्ट किस में कराते हैं, इंजेक्ट कराते हैं आपके मल्टी जेट की नोजल्स में, और उसमें स्प्रे भी लगी होती है, स्प्रे नोजल भी होती हैं। मल्टी जेट कंडेंसर की डिज़ाइन वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी, आप वहाँ से देख लीजिए। तो अब आता है कि वैक्यूम क्रिएट करते हैं पेंस में तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक। तो पहला क्या होता है कि रिड्यूसिंग प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा रिड्यूस होगा। अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक, और हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो उससे बॉइलिंग पॉइंट मान लो लगभग 100 से मान लो 60 50 या 54 के आसपास आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इवापोरेशन जब इंक्रीज होगा तो क्या हीट कंजम्पशन जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा उसकी हमारी सेविंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवापोरेशन रेट है और तो उसके लिए एक्सिस एयर चाहिए होगी 100 डिग्री के लिए। जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा तो हीट का जो कंजप्शन है हमारा कम हो जाएगा। कम टू माय यूट्यूब चैनल, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मल्टी जेट कंडेंसर होते हैं उससे वैक्यूम कैसे बनाते हैं और मल्टी जेट कंडेंसर कैसे वर्क करते हैं। डिजाइनिंग जो पोर्शन है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए, ये मल्टी जेट कंडेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर ये दो लाइन दी हुई है, एक लाइन ये नीचे वाली हो गई जेट नोजल की और जो ऊपर वाली लाइन है ये स्प्रे नोजल की हो गई, और इसमें ऑटोमेशन लगा हुआ है। हमें डिजायर प्रेशर, डिजायर वैक्यूम अगर मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो वाल्व रहता है वो धीरे धीरे क्लोज्ड और ओपन होता है सेम जेट का और सेम स्प्रे का। तो देखिए, ये जो अपर वाला ये पाइप ये गया हुआ है, ये जो पाइप गया हुआ है ये लगा हुआ है हमारा वैक्यूम बनाने के लिए। देखिए, ये वैक्यूम पाइप है और यही पाइप आपका घूमते हुए ये आ गया इसमें, ठीक है, और इसके नीचे बैरोमेट्रिक लेग है। तो देखिए वर्किंग कैसे रहती है, तो ये जो वाटर है ये देखिए, ये वाटर की लाइन है, नीचे बाईपास लगा दिया, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो वाटर हमारा बाईपास होते वेरीमेट्रिक लैग में चला जाएगा
और ये जो भाई ये जो वाटर की लाइन है ये इंजेक्शन वाटर लाइन है, ये जो वाटर आ रहा है वो कूलिंग टावर से आ रहा है, ठीक है, कूलिंग टावर से आ रहा है। और देखिए ऊपर से क्या रहेगा, ऊपर से वेपर या फिर एयर, मान लो अगर पैन जो है वैक्यूम बनाना है उसमें, तो सारे बॉल बंद कर देंगे, फिर उसके अंदर जो भी वेपर है या एयर है उसको हम सक करेंगे। तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे। प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, या तो वैक्यूम पंप लगाएंगे, अगर वैक्यूम पंप नहीं लगा तो जो वाटर है, वाटर मतलब फ्लूड है, फ्लूड का क्या करेंगे, वेलोसिटी बढ़ा देंगे। वेलोसिटी किससे बढ़ाते हैं, जेट नोजल से, जेट लगाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जो ऊपर की जो इस लाइन में वेपर या एयर है वो उसको सक कर लेगा। अब आपको इनसाइड व्यू दिखाते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ कि ये वाटर लाइन है और यहाँ से इंजेक्शन पंप नीचे चलता है। इंजेक्शन पंप क्या करता है, जो वाटर को जो कूलिंग टावर से वाटर होता है उसको पंप करता है, और पंप करने के बाद में नोजल्स में भेजता है, स्प्रे नोजल्स और जेट नोजल। इससे क्या होता है कि जेट नोजल में फ्लो ज़्यादा, फ्लूड की फ्लो की स्पीड बढ़ाते ही है, तो इससे तो जितना भी पैन के अंदर एयर है या फिर वेपर है वो सारी खींच लेता, शक हो जाती है। और नीचे हमारी वैरोमेट्रिक लैग, देखिए ये है वैरोमेट्रिक लैग, ये वैरोमेट्रिक लैग है, देखिए इसमें वाटर कंजप्शन दिया हुआ 442 मीटर के ऊपर आवर, और एयर की कैपेसिटी दी हुई है वो 313 मीटर के ऊपर आवर, और स्टीम कंडीशनिंग कैपेसिटी दी हुई है 12 टन पर आवर, और हीटिंग सरफेस इसका दिया हुआ है 233 मीटर स्क्वायर। और ये इसको हम पैन और इवेपोरेटर हम इसमें यूज करते हैं।